हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, बहुत दिन से लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे हैं स्कॉलरशिप की डेट बढ़ने की और कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी। आप सब लोग कमेंट कर रहे हैं, हर जगह इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि सर डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मेरा फॉर्म नहीं भर पाया है। अभी तो बीएड का इसका काउंसलिंग चल रहा था, पूल काउंसलिंग, उसमें मैंने एडमिशन लिया है या फिर मैं डायरेक्ट में एडमिशन लेने वाला हूँ, तो डायरेक्ट वाली विंडो भी खुलने वाली है एडमिशन की। तो अभी एडमिशन ही नहीं हुआ है, फॉर्म भी बंद हो गया है फिलअप होना, तो ऐसे काम चलेगा और अच्छी खासी रकम आती है वापस, कम से कम 30-35 हज़ार रुपये वापस होता है बच्चों का, इसमें फीस वापसी होती है स्कॉलरशिप के थ्रू। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे फाइनेंशियल की कंडीशन ठीक नहीं रहती, वो स्कॉलरशिप के भरोसे ही रहते हैं कि अगर स्कॉलरशिप आ जाएगी तो हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर की फीस जमा करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ बीएड वालों के लिए ही समस्या नहीं है, बहुत सारे बच्चों की जो ग्रेजुएशन में है जिनका एडमिशन नहीं हो पाया था, काउंसलिंग चला था, बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो डेट जो है वो ख़त्म हो गई थी स्कॉलरशिप की, सभी आप सभी को पता, 7 नवंबर तक लास्ट डेट थी। मैंने आपको इन्फॉर्म किया भी था कि भाई टाइम से भर दीजिए फॉर्म, बट आप लोगों ने भी लेट किया कुछ वहाँ पर और कुछ समस्याएं आई वेबसाइट वगैरह में भी। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ अपडेट निकल के आ रही है स्कॉलरशिप को लेकर, डेट बढ़ने को लेकर, और किन किन लोगों के लिए यहाँ पर लगभग विंडो खोली जाएगी लगभग, आप सभी को बताना चाहूँगा। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपना ओपिनियन जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने फॉर्म भरा है या आधे पे ही रुक गया आपका फॉर्म, या फिर आपका एडमिशन अभी नहीं हुआ है, जो भी कंडीशन आप बताइए, ताकि पता चले भाई कैसे बच्चे परेशान हैं, उनका आधा फॉर्म फिलअप हुआ है, रजिस्ट्रेशन ही हुआ है, या फिर कोई त्रुटि है उसको सही करना है उनको बच्चों को, या फिर अभी एडमिशन ही नहीं हुआ है, या एडमिशन अब हुआ है और स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिलअप, जो भी है आपकी जो सिचुएशन है फॉर्म को लेकर, वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए भैया, क्योंकि आपका ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो कमेंट करिए सभी लोग, क्या बात है स्कॉलरशिप को लेकर, आप लोग कहां फंसे हुए हैं, ठीक है, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी छात्रों को बताना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ग्रेजुएशन में थे, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थे और इस बार बीएड करना चाहते हैं 2023 में दोस्तों, या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बार बीएड में एडमिशन लिए हैं, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त बीएड करना चाहते हैं 2023 में, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बुक रिकमेंड करना चाहता हूं, पूजा प्रकाशन की, पूजा पब्लिकेशन की बुक है। कवर पे देख सकते हैं बिल्कुल नवीनतम बुक तैयार हो चुकी है, नवीनतम पैटर्न पर, यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा नवीन पैटर्न पर आधारित ऑल इन वन गाइड बुक होने वाली है, यानी कि सारे सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक आपको खरीदनी पड़ेगी, अलग अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये कला वर्ग की है, इसी तरीके से इनकी विज्ञान वगैरह की भी मिल जाएगी। नीचे आपको लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कंप्लीट गाइड बुक खरीद सकते हैं पूजा प्रकाशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए, और प्रीवियस पेपर के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आप विज्ञान वर्ग से हैं, कॉमर्स वर्ग के हैं, तो बाकी सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग आप बुक को परचेज कर सकते हैं या फिर अपने मार्केट से भी इजिली इसको खरीद सकते हैं। तो आते हैं खबर पर दोस्तों, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, यहाँ पर देख सकते हैं निकली खबर, वेबसाइट बंद, 50,000 छात्र छात्राएं नहीं भर पाए स्कॉलरशिप का फॉर्म, बीएड के छात्रों को भी इंतजार है स्कॉलरशिप के फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ने की। दोस्तों यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया था, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका परिणाम जो पेंडिंग था, और इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे बीएड में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेने वाले थे या डायरेक्ट के थ्रू एडमिशन लेने वाले थे, किसी डायरेक्ट कॉलेज में बात कर रखे हैं। तो भैया कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन जब भी होता है, जब पूल काउंसलिंग समाप्त हो जाती है उसके बाद डायरेक्ट की विंडो खोली जाती है, उससे पहले एडमिशन नहीं हो सकता, एडमिशन नहीं होगा तो रसीद नहीं मिलेगी, रसीद नहीं मिलेगी तो फॉर्म नहीं भर सकते हो, आप लोग सबको पता है। तो इस ऐसे चलते में बहुत सारे बच्चे भैया पूल काउंसलिंग में एडमिशन लिए, वो भी नहीं फॉर्म भर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट में फॉर्म भरना स्टार्ट किया, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, आधे पे पेंडिंग हो गया, वेबसाइट नहीं चल रही थी, ऐसे नहीं भर पाए। तो भैया बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले हैं, वो आगे भरने वाले फॉर्म, तो बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि लास्ट डेट बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए। उम्मीद यही थी कि लास्ट डेट बढ़ जाए, क्योंकि भैया अभी टाइम ज्यादा हुआ जा रहा है, 7 नवंबर को विंडो बंद हुई थी, वेबसाइट की बंद हो गई थी और अभी तक नहीं ओपन हुई है, तो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो गए, क्योंकि हर बार भैया डेट बढ़ती ही बढ़ती थी और हर बार 1 महीने 1.5 महीने डेट लगभग बढ़ जाती थी। इस बार भी बच्चे सोचे थे बढ़ ही जाएगी, हम लोग भी यही जानते थे कि बढ़ ही जाएगी, लेकिन इस बार थोड़ा टाइम लग गया बढ़ने में। वो यहां पर बताया जा रहा है कि समाज कल्याण विभाग का कहना है कि सरकार के ऊपर डिपेंड करता हूँ, सरकार से परामर्श कर रहे हैं, सरकार पे इस पर बात कर रहे हैं और हमें जैसे ही अनुमति मिलेगी हम इसके इसका जो डेट है वो एक्सटेंड करेंगे। और साथ ही साथ यह भी खबर मिल रही है कि जो देरी हो रही है वेबसाइट डेट ना बढ़ाने में, वो ये पता चल रहा है कि जो भी अब तक फॉर्म वगैरह आया है, जो भी साइट पे वर्कलोड पड़ा है उसको मेंटेन किया जा रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है वेबसाइट का। साथ ही साथ सरकार से भी बात हो रही है, अगर अनुमति मिलेगी तो 30 नवंबर तक, ऐसी जानकारी मिल रही है कि 30 नवंबर तक इसकी डेट बढ़ाई जाएगी। ठीक है, फिलहाल ये तो कम ही लग रहा है मुझे, क्योंकि भैया पहले तो 1-1 महीने का बढ़ जाता, फिलहाल यही इतना ही बढ़ जाए, 15 दिन के लिए बढ़ जाए डेट ना, तो भी हमारे बहुत सारे बच्चे फॉर्म
फॉर्म जो है वो फिलअप कर देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर रहे थे उनका बीच में ही अटक गया है, ठीक है, या बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, तो 15 दिन का भी डेट अगर बढ़ जाएगा तो भी बहुत सारे बच्चे यहां पर इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, डेट बढ़नी चाहिए 30 नवंबर तक भी आपके लिए काफी है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, ऐसी जानकारी मिले कि 30 नवंबर तक के लिए डेट बढ़ाई जाएगी और इसकी जो अपडेट है वो 2-3 दिन के अंदर ही आने वाली है, इसी वीक, ये नया वीक जो है अभी संडे आ गया था, अभी इसी वीक आपको अपडेट मिलने वाली है डेट बढ़ने की और जानकारी यही मिले कि डेट निश्चित तौर पर बढ़ाई जाएगी। तो आप लोग परेशान मत होइए, अपना जो भी ओपिनियन, आपका जो भी कंडीशन है स्कॉलरशिप को लेकर, आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करना आपका फर्ज भी है, शेयर करोगे तभी बात आगे तक जाएगी। और बच्चे भी ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, हर जगह प्रयास कर रहे हैं कि डेट बढ़ाई जाए, सरकार को भी ज्ञापन वगैरह सौंपा जा रहा है, तो आप लोग भी प्रयास करिए, तभी कुछ लोगों से नहीं होता, सब जब मिलकर एकता दिखाओगे ना तभी जाकर कुछ चीजें बदलेगी। तो आप लोग शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। और भैया इस बुक को अगर आप परचेस करना चाहते हो लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, कोई भी अपडेट आएगी डेट बढ़ने की तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा।